नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ज्वार के आटे का नाश्ता। तो ये जो ज्वार के आटे का नाश्ता है, ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो मौसम के अनुसार अगर आप नाश्ता करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। तो मैंने ये 1 कप ज्वार का आटा लिया है और ये 1/2 किलो छाछ है जो घर में बनाई है मैंने। आप चाहे तो बाजार से भी ला सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ी छाछ डाल के हम इसको आटे को घोल लेंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के घोलेंगे तो लम्स नहीं पड़ेंगे। ये हमने घोल लिए, लेकिन अभी ये गाढ़ी है तो अभी इसमें और छाछ डलेगी और इसमें और छाछ डाल देते हैं। ये पूरी 1/2 किलो छाछ हमने डाल दी है। ये हमारी ऐसी पतली छाछ होना चाहिए, इतना पतला घोल होना चाहिए। अब इसमें मसल के जीरा डालूंगी, थोड़ी लाल मिर्च डाल रही हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। मैंने गैस जला दिया है और अब इसको लगातार हम चलाएंगे। ये जो मक्का ज्वार के आटे की जो राबड़ी हम बनाते हैं, ये गर्मियों में आप खाना चाहिए। इससे पेट में ठंडक रहती है, पाचन अच्छा होता है और लू भी नहीं लगती है। तो इसलिए ये गर्मियों का नाश्ता जरूर करना चाहिए। तो ये जब तक हिलाएंगे जब तक कि ये इसमें उबाला नहीं आ जाता। ये इसकी फ्लेम को मैंने फुल कर रखा है। अब इसमें उबाला आ गया है और मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब ये धीरे धीरे उबलती रहेगी। अब ये हमारी राबड़ी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। ज्वार के आटे का नाश्ता तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये खट्टी छाछ से ही बनती है, पर अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद ना हो तो छाछ खट्टी हो तो उसमें आप पानी मिला सकते हैं। और ताजी छाछ हो तो उसकी तो बात ही अलग रहती है। और ये हमारी ज्वार के आटे का नाश्ता तैयार है और इसको मैंने धीमी आंच पे 15 मिनट तक पकने दिया था। तो ये अच्छे से तैयार हो गई है और इसको पीने से लू नहीं लगती है। बुखार अगर आता हो तो बुखार भी उतर जाता है। और गर्मियों में ये नाश्ता आपको जरूर करना चाहिए, तो उससे आप लोग सुरक्षित रहेंगे। तो और ये खाने में भी टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसमें दूध और शक्कर डाल के भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। ये दोनों तरह से खाई जाती है। तो चलिए अब ये तैयार हो गए, मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे खाई जाती है। अभी गर्मी है तो इसको आप थोड़ी देर, जब पूरा ठंडी हो जाए, ये नॉर्मल रूप से पूरी ठंडी हो जाए, इसके बाद आप फ्रिज में इसको थोड़ा ठंडा करके और फिर खाइए तो ये बहुत अच्छी लगेगी और पेट में ठंडक प्रदान करती है और पाचन के लिए ये अच्छी रहती है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, लेकिन ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब मैंने ये बाउल में, एक में कम भरी है थोड़ी और एक में पूरी फुल भरा है मैंने बाउल। तो इसमें हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। ये शक्कर डाल दी हमने और ऊपर से इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये दूध भी डालेंगे। और ये जो है, ये जो नमकीन वाली है, इसमें हम थोड़ा सा और जीरा डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। तो आप ये दोनों तरह से इसको आप खा सकते हैं। ये हमारी एक दूध शक्कर वाली तैयार हो गई है नाश्ता, और एक ये हमारा नमकीन नाश्ता है। जो ये आप इससे रोटी भी खा सकते हैं और ऐसे भी अगर आप इसको नाश्ते में सुबह खाएंगे तो पेट में बहुत अच्छा रहता है। इसको खाने से लू नहीं लगती है, बुखार भी नहीं आता है। तो यदि आपको मेरा ये ज्वार के आटे का नाश्ता राबड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।